One. Gee, dear student, this is Dr. Syed Kaleem from University of Texas, San Antonio. This is a lecture for 10th class, chapter 18, Pharmacology. जैसा कि आप लोगों ने ये chapter कर लिया है, तो उसके थोड़े से questions करते हैं. Antibiotics are used for which of the following? The treatment of viral infections, treatment of bacterial infections, immunization against infections, and both A and B. Antibiotic ka kaafi naam aapne suna hua hai. Antibiotics are used for which of the following? G. That's right. This is only for bacterial infection. Be careful. So, jab kisi ko bacterial infection ho, tab hi antibiotic deni chahiye. Antibiotics also called antibacterials. Lekin usko chota karke kya kehte hain? Antibiotics. Are a type of antimicrobial drug used in the treatment and prevention of bacterial infections. They may either kill the bacteria or inhibit the growth of bacteria. Isiliye antibiotics ki bhi do kisme hogi, bactericidal ya bacteriostatic, jo usko unki growth ko rok deta hai. Jaise typhoid fever hai, jaise tonsillitis hai, pneumonia hai, aur ye agar bacteria ki wajah se ho, viral bhi same kisam ki diseases cause kar sakte hain. Question number 2. The drugs used to reduce pain are known as what? Aisi medicine jisse pain kam ho jaye usko kya kehte hain? Analgesics, antiseptics, antibiotics, sedatives. Antibiotics to nahi ho sakta na, wo to humne padha tha, wo jo bacteria ko rokte hain ya marte hain. Antiseptic, analgesics, what do you think? Cool, awesome. Analgesics. And analgesics or painkiller is the same thing. Analgesic, pain ko kam kar dena, is any member of the group of drugs used to achieve analgesia, jaise pain hi khatam ho jaye aur phir aapko relief mil jaye. Analgesic drugs act in various ways on the peripheral and central nervous system. Kyunki jo pain ka ehsaas hona hai wo to dimag ne batana hai ya phir peripheral nervous system ne batana hai. Agar usi pathway ko block kar diya jaye to pain nahi hoti. तो कौन-कौन से एनाल्जेसिक्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, जैसे पैरासिटामोल है, ठीक है, एस्पिरिन है, डिस्प्रिन है, आइबुप्रोफेन है, अमेरिका में उसको एडविल कहते हैं, टायरेनोल इज लाइक सिमिलर टू इज अ एसिटामिनोफेन इज वेरी सिमिलर टू पैरासिटामोल, ये एस्पिरिन है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. व्हिच ऑफ दीस एडिक्टिव ड्रग्स आर आल्सो यूज्ड एज पेन किलर्स. और कुछ जो है वो जो और नशा करने वाले लोग हैं जिसको नशा ही कहते हैं वो भी एज पेन के तौर पे यूज करते हैं. नारकोटिक्स, हेलुसिनोजेंस, सेडेटिव्स और ऑल ऑफ द अबव. ऐसी एडिक्टिव ड्रग जिसमें पेन किलर भी उसमें आपको पेन कम हो जाएगी. नारकोटिक्स, यस. नारकोटिक एनाल्जेसिक्स आर अ ग्रुप ऑफ मेडिसिन दैट रिलीव क्रॉनिक सीवियर पेन बाय बाइंडिंग टू ओपियड रिसेप्टर. इसमें दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है. जिसको क्रॉनिक पेन होती है, अगर किसी को डिस्क पर लैप्स हो जाए, रीढ़ की हड्डी में पेन है, तो उसको बहुत सीवियर पेन होती है, या आर्थराइटस है, या रूमेटॉइड आर्थराइटस है, उनमें सीवियर पेन होती है, तो उनके लिए जो हैवी किस्म के या स्ट्रॉन्ग किस्म के नारकोटिक एनाल्जेसिक्स देने पड़ते हैं. तो बेसिकली करते क्या हैं, बाइंडिंग टू ओपियड रिसेप्टर. ओपियड रिसेप्टर जो होते हैं वहाँ से पेन का एहसास होता है. अगर उसी को ब्लॉक कर दिया जाए, उसी रिसेप्टर के ऊपर वो मेडिसिन आके लग जाए, तो फिर वो सिग्नल ही नहीं जाएगा. पेन हो भी रही होगी तो बॉडी को पता नहीं चलेगा. क्वेश्चन नंबर 4. सेफलोस्पोरिन आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. सेफलोस्पोरिन इज एंटीबायोटिक्स. ये किसके लिए इसको यूज कर सकते हैं? थ्रोट इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, टॉन्सिलाइटिस. ब्रोंकाइटिस द इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, थ्रोट थ्रोट, टॉन्सिलाइटिस गले में छोटे छोटे दो टॉन्सिल्स होते हैं, और ऑल ऑफ द अबव. दैट्स राइट. सो सेफाक्लोर इज अ सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक व्हिच इज प्रिस्क्राइब फॉर सर्टेन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया सच एज निमोनिया, ईयर, लंग, स्किन, थ्रोट. अगेन, अगर बैक्टीरिया की वजह से ये निमोनिया हुआ, बैक्टीरिया की वजह से ईयर इन्फेक्शन हुई है, बैक्टीरिया की वजह से लंग इन्फेक्शन हुई है, बैक्टीरिया की वजह से स्किन इन्फेक्शन हुई है, बैक्टीरिया की वजह से थ्रोट, देन यू शुड यूज एंटीबायोटिक्स, नॉट जस्ट लाइक एंटीवायरल. बट द प्रॉब्लम इज ये सारी चीज़ें जो हेल्दी लोग हैं, 90 से भी ज़्यादा परसेंट लोगों को वो वायरस की वजह से होती है ये सारी चीज़ें, निमोनिया, ईयर इन्फेक्शन. इसी वजह से बहुत सारी एंटीबायोटिक मिस यूज़ होती है और उसका
बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आगे जाके। क्वेश्चन नंबर 5, द ग्रुप ऑफ हलूसिनोजेंस आर मेस्कलीन, साइलोसिन, सल्फोनामाइड, बोथ ए एंड बी। यस, दीज बोथ मेस्कलीन एंड साइलोसिन, दीज आर द हलूसिनोजेंस। सल्फोनामाइड इसको क्या कहते हैं, सेप्ट्रॉन कहते हैं, ये एंटीबायोटिक है। ओके, मेस्कलीन इज अ हलूसिनोजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्मॉल स्पाइनलेस पियोट, सैन पेड्रो और कैक्टस, आल्सो फाउंड इन सर्टेन मेंबर्स ऑफ द बीन फैमिली। जैसे ये है मेस्कलीन, इस खाने के बाद अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, इंसान लड़ना शुरू कर देता है, कुछ नहीं ऐसी चीज़ों के साथ लड़ना शुरू करता है जो होती भी नहीं। साइलोसाइबन मशरूम्स आर फंजाई दैट कंटेन साइको एक्टिव। अगर इस तरह की फंजाई जैसे कि कुछ लोग खाते भी हैं तो उनको हलूसिनेशन हो सकती है, यानी कि ये समझे हलूसिनेशन ऐसे है जैसे कि एक रोप पड़ी तो आपको लगे ये सांप है, कोट इस जो कोट पेंट कोट कोट ऐसे लटका हुआ वैसे ऐसा लगे जैसे कोई आदमी खड़ा है, उसको कहते हैं हलूसिनेशन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, इफ यू लाइक इट यू कैन कमेंट, प्लीज शेयर। सो दिस इज नॉलेज, द बेस्ट गिफ्ट इज टू शेयर नॉलेज विद यू, विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। यू गाइस गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माई लेक्चर्स एट सिटी कॉलेज शाहदरा, कॉल एट दिस नंबर और मेन कैंपस जलाल सेंटर और कैंपस नंबर 2 शाहदरा स्टेशन। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।